न्यूज 19 के संवाददाता से खास बातचीत के दौरान जालौन जिला अधिकारी मन्नान अख्तर ने कोरोना महामारी को लेकर कई बातें की है। आज दिन भर में कितने केस पाए गए हैं और कोरोना क्या अपडेट है सर? देखिए, आज दिन में टोटल 8 केसेस पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें 2 दंपत्ति दिल्ली से वापस आए थे जिनके हमने 3 तारीख को सैंपलिंग कराई थी। एक व्यक्ति आपका बाहर से आंध्र प्रदेश से वापस आया था जिसकी 25 को हमने सैंपलिंग कराई थी, नेगेटिव आया था। फिर पुनः उसकी जो है हमने 3 को सैंपलिंग कराया, वो पॉजिटिव आया। इसके अलावा जो हमारे पुराने कॉन्टैक्ट थे जिनकी मृत्यु हुई थी, उनसे संबंधित 4 लोग वो पॉजिटिव पाए गए, और एक कानपुर में जो हमारा पेशेंट है उसके कांटेक्ट में जो हमें एक मिला था वो व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। तो अभी ये 8 लोग हैं जो कि पुराने हमारे केसेस और या जो बाहर से लोग आए हैं उनसे संबंधित लोग। सर, टोटल कितने केसेस हो चुके हैं और उनमें कितने लोगों की डेथ हो गई है और कितने लोग एक्टिव हैं? 58 केसेस हैं, एक्टिव केसेस हमारे 12 हैं। जनपद में इस समय एक्टिव केसेस 8 हैं, बाकी लोग जो है बाहर पे हैं, और मृत्यु जो है 4 हुई है। सर, बढ़ते हुए केसों को देखते हुए अनलॉक बंद में प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां की जा रही हैं ताकि ये चीज़ कमी हो सके? देखिए, हमारा पब्लिक से यही अपील रहेगा कि जो दुकानों की स्थिति है वो तो हमने पिछले वाली में जैसे रखी है, किंतु अब हम लोग जो है धार्मिक स्थलों को भी खोलने वाले हैं और होटल इत्यादि को भी खोलने वाले हैं, तो उसके गाइडलाइन जैसे मुख्य सचिव महोदय ने जारी किए थे वैसे ही रहेंगे। पर पब्लिक से यही अपील रहेगा कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, आपस में दूरी बना के रखें, और जैसे ही उनको लगता है कि उनको किसी भी ILI के सिम्टम जैसे सर्दी बुखार खांसी है तो तुरंत बताएं। साथ ही साथ हम लोगों ने हर सुबह जो है 9 से 10 और शाम को 5 से 6, ये तो कंपलसरी ड्राइविंग है, जब हमारे CO और SDF जो है सड़क पे आएंगे और गश्त करते हुए जो भी व्यक्ति जो हमने नियम बताए हैं मास्क के हो या सामाजिक दूरी के हो, चाहे कोई दुकानदारी उससे संबंधित क्यों ना हो, अगर उसका पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और फाइन जो है वो भी लगाएं। ND निर्यान न्यूज की खास रिपोर्ट।